अब आप ठीक हैं देव? महादेव, संकट अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। देवराज और उसकी सेना अभी भी फंसी हुई है। मुझे संदेह है कि तार का सुर अब और भी अधिक तीव्रता से आक्रमण करेगा। मूर्ख कहीं का, उस बालक को चिढ़ाने और खेलने में ही इतना समय व्यर्थ कर दिया, गवा दिया अपना जीवन और मेरा सम्मान। अभी तक पराजय नहीं हुई है पिताजी। इंद्र और उसकी सेना अभी तक हमारे बंदी है, और इस बात का तो प्रश्न उठता ही नहीं कि ये छोटा सा बालक किसी भी तरह से हमारा माया जाल तोड़ देगा। विजय की संभावना अभी भी शेष है पिताजी। तो जाओ विदुर बालिक, जाकर युद्ध करो और प्रतिशोध लो अपने भाई की मृत्यु का। मैं आपको निराश नहीं करूंगा पिताजी। जिस तरह से मेरे भाई का शीश कटकर भूमि पर गिरा है, उसी तरह से उस शिव पुत्र का शीश कटकर मैं लाऊंगा। शिव पुत्र से युद्ध मत करो, कहीं ऐसा ना हो पार्वती के स्थान पर मेरी कोख सुनी हो जाए। प्रोत्साहित करने के स्थान पर हतोत्साहित मत करिए माँ, हटो मेरे मार्ग से। स्वामी, ये आपका उत्तराधिकारी है। स्वामी, आप इसके प्राणों को संकट में कैसे डाल सकते हैं? जब उसके और मेरे प्राणों में से किसी के प्राणों पर संकट आना ही है तो उसके प्राण क्या बुरे हैं? तुम्हें तो अनेक पुत्र मिल जाएंगे, पर पति परमेश्वर तो बस एक ही होता है ना। मुझे देवराज और अन्य देवताओं को असुरों के मायाजाल से शीघ्र ही मुक्त करना होगा। अब हम क्या करें सेनापति? सेना के बिना तारकासुर से युद्ध कैसे करेंगे हम? हमें भाग जाना चाहिए सेनापति, प्राण बचेंगे तो हम भविष्य में अवश्य युद्ध कर पाएंगे। हम सेनापति हूँ मैं, अपनी सेना को शत्रु की बाद में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यदि ये माया जाल है तो मेरी माँ योग माया है, यदि ये माया जाल है तो मेरी माँ योग माया है। सब कुछ उन्हीं का रचा हुआ है, अब वही हमारी सहायता करेगी। देखा कितना भयभीत है ये, प्रार्थना कर रहा है अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, पर ऐसा नहीं होगा। ना ही इसके पिता मेरा वध कर सकते हैं, ना ही मां। तो फिर इस पूरी सृष्टि में ऐसा कौन है जो मुझसे इसकी रक्षा कर पाए? स्वामी का इस प्रकार अहंकार उचित नहीं है। अंततः है तो वो देवी पार्वती और महादेव का पुत्र, न जाने कितनी असीम शक्तियों का स्वामी होगा वो। माँ, मुझे कोई आभास तक नहीं है कि मैं असुरों के इस महाभीषण मायाजाल को कैसे तोड़ूं, कैसे रक्षा करूं मेरे सेना की। किसी भी माया जाल की आत्मा क्या होती है पुत्र, जानते हो? कल्पना की शक्ति। कल्पना से ही माया मूर्त रूप लेती है और उसी से दृढ़ होती है। अपने भीतर के ज्ञान का प्रयोग करो कार्तिकेय, फिर संसार के किसी भी माया को भेदने में सफल होगे।
मुझे इस माया जाल को तोड़ना ही होगा। कार्तिके, आपने असुरों का माया जाल तोड़ दिया, हमें बचा लिया आपने। आपकी जय हो सेनापति की। जय सेनापति की। जय सेनापति की। सेनापति की। ये जयकार मेरी नहीं, आपकी है माँ। दूर रहते हुए भी आपने अपने पुत्र की सहायता कर ही दी। एक माँ अपनी संतान से शारीरिक रूप से भले ही दूर, पर इतनी दूर भी कभी नहीं होती कि उसकी हर इच्छा, उसकी हर पीड़ा बिना कहे समझ ना पाए। एक माँ अपने संतान को शिशु अवस्था से ही जान जाती है। जब वो बोल भी नहीं पाता, जब उसे ये भी नहीं पता होता कि वो भूख से रो रहा है या नींद से। संतान भी अच्छी तरह जानती है कि उसे कष्ट हो तो माँ सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ भूल के उसकी ओर दौड़ती है। इसीलिए संतान चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, पर कष्ट की घड़ी में उसके मुख से पहला शब्द मां ही फूटता है। कैसे कैसे तोड़ा हुआ है ये माया जाल, कैसे? अब तो आपको विश्वास हो गया स्वामी कि कोई साधारण बालक नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, शस्त्रों का गिरना अशुभ संकेत है। मूर्ख स्त्री, अशुभ तो तू है। हमें क्षमा कर दीजिए कुमार, हमने आपकी क्षमता को कम आका। हाँ कुमार, हम जानते थे कि आप तारकासुर का वध करने में सक्षम हैं, फिर भी हमने आपकी योग्यता पे विश्वास नहीं किया, हमें क्षमा कर दीजिए। आपके मन में मेरे हित की भावना ही थी, इसलिए क्षमा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और वैसे भी मैंने जो भी किया है माँ की सहायता से ही किया है। जो भूल मैंने पहले की थी वो अब नहीं करेंगे कुमार, इस युद्ध का नेतृत्व आप कीजिए। गरुड़ व्यो, गरुड़ व्यू की रचना करो।
मैं व्यर्थ ही आपकी चिंता कर रहा था। आप में तो स्वयं महादेव और माँ आदि शक्ति का अंश है। आप धन्य है सेनापति कार्तिकेय, आप धन्य है। जिसे स्वयं शक्ति ने प्रशिक्षण दिया उसका इतनी वीरता से युद्ध करना तो स्वाभाविक ही है। नष्ट करने के लिए अब और समय नहीं है विदुर बालक, इस बालक पर आक्रमण करो, रोको इसे। वर्षों का प्रशिक्षण तुम्हारे साथ है विदुर माली, जबकि ये बालक पूरी तरह अनुभवहीन है। जो कार्य ताराक्ष नहीं कर पाया अब वो तुम करोगे। शाबाश मेरे पुत्र, अब अवसर का लाभ उठाओ और वध कर दो इस शिव पुत्र का।
देवी, केवल गिर जाने से हार नहीं होती, उसे स्वयं ही उठने दीजिए। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु मुझे इसे पराजित करना ही होगा। पराजय मन में हार मानने से ही होती है पुत्र। यदि तन में क्षमता है और मन में इच्छा है तो विजय की संभावना शेष है। पर मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा माँ, इससे मैं कैसे युद्ध करूँ? ऐसे सीमा तन की होती है, परंतु मन असीमित होता है कार्तिकेय। अपने मन की आंखें खोलो पुत्र। अपने मन की आंखें खोलो पुत्र। मुझे ध्वज की ध्वनि सुनाई दे रही है। मैं अपने शत्रु के पैरों की ध्वनि सुन पा रहा हूं और वो तीव्र गति से तलवार चला रहा है। मुझे ध्वज के पास पहुंचना होगा ताकि मैं उसे अपना शस्त्र बना सकूं। और ध्वज जो अपने शत्रु के विरुद्ध उपयोग कर सकूं। दया कीजिए गौरी शंकर सूत। मुझे जीवन दान दे दीजिए। व्यक्तित्व की वास्तविक परीक्षा तब होती है देवी, जब चुनाव करना कठिन हो। इसे स्वयं निर्णय लेने दीजिए। तारकासुर स्वयं यहां आ गया। प्रतीत होता है क्रोध में स्वयं अपने पुत्र का अंत कर देगा। इस कार्तिकेय का अंत करने के लिए यही उत्तम अवसर है। जाती उन्हें दिया जाता है केवल दंड। महादेव,
हमारे पुत्र ने युद्ध की मर्यादा तो रख ली, परंतु वो तारकासुर का सामना कैसे करेगा? पुत्र कितना भी क्षमतावान ही क्यों ना, पर मां की ममता सदैव उसकी चिंता करती रहती है। और हमारे पुत्र में तो आपका अंश है, आदि शक्ति का अंश, और आपको अपनी शक्ति पर विश्वास करना ही पड़ेगा देव। इतनी कम आयु में इतने बड़े असुर से युद्ध कर रहे हैं राजकुमार कार्तिकेय, और वो भी बिना किसी भय के। और यही नहीं, वायुदेव तारकासुर जैसे भीषण योद्धा के प्रहारों का उत्तर अपने अस्त्रों से देकर कुमार अपनी योग्यता को सिद्ध कर रहे हैं। नहीं तो किसी और में यह सामर्थ्य कहां कि तारकासुर जैसे योद्धा के सामने इतनी देर टिक पाए। मैंने सुना था असुर शत्रु के सामने घुटने नहीं टेकते, क्या तुम असुर भी ऐसा ही मानते हो क्या तारकासुर? हम असुर मानते हैं कि शत्रु को योग्यता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। रुक रुक ना बालक, प्रहार कर। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बालक, क्योंकि मेरे प्राण तेरी माँ के चरण कमलों में है। मुझे मारना चाहता है तो जा, पहले उन्हें काट। तारकासुर के प्राण माँ के चरणों में, किंतु ये कैसे संभव है? माँ पर प्रहार करने का मैं विचार भी नहीं कर सकता हूँ, किंतु फिर तारकासुर का अंत कैसे करूंगा मैं? ये राक्षस राज तो बड़े ही बुद्धिमान निकले, कार्तिकेय को ऐसी दुविधा में फंसाया जिसमें कोई समाधान ही नहीं है। नहीं, अब देखिए कि कोई भी पुत्र अपनी माँ से क्रोधित हो सकता है, घर छोड़कर जा सकता है, पर अपनी माता के चरण काटना ये तो असंभव ही। इसे बुद्धिमानी नहीं, इसे धूर्तता कहते हैं दीदी। भला धर्म और माँ इन दोनों के बीच में से किसी एक को कोई कैसे चुन सकता है भला? पर चुनना तो पड़ा ही होगा ना, क्योंकि
यदि तारकासुर नहीं हारता तो संसार कैसे बच पाता? परंतु मां, सदैव अच्छे व्यक्तियों को ही ऐसी कठिन परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि अच्छे व्यक्ति ही भगवान से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। उनको अपने चरणों में सदा सदा के लिए स्थान देने से पहले भगवान के लिए भी अनिवार्य होता कि वह उनकी परीक्षा ले। कार्तिकेय के लिए भी ये चुनाव करना बहुत कठिन था। या तो उसे अपने कर्तव्य को चुनना पड़ता जिसके लिए उसका जन्म हुआ था, या तो अपने माँ को जो उनके अस्तित्व का आधार थी। इतने छोटे से बालक के लिए इससे बड़ी परीक्षा क्या हो सकती है? परीक्षा जब पहेली बनकर चुभने लगे तो उसका समाधान ढूंढना आवश्यक हो जाता है। वाराणसी के एक सेठ ने अपनी माँ के नाम पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। उस मातृभक्त ने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा कि हे माँ, मैंने तुम्हारे नाम को शताब्दियों तक अमर कर दिया, मैंने तुम्हारा ऋण चुका दिया। उसके ये कहते मंदिर का एक बड़ा भाग छत के साथ ढह गया। जानते हो क्यों? क्योंकि मां का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। इस संसार में बड़ी से बड़ी तपस्या कर भगवान को तो पाया जा सकता है प्रभु, परंतु मां के ऋण से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। कि मां तो वो है जो प्रसव के समय हंसते हंसते मृत्यु के मुंह में जाकर अपने संतान को जन्म देती है। उसके पालन पोषण के लिए मां अपना अस्तित्व भी भुला देती है। रात रात भर जागकर अपने संतान को सुलाती है मां, और उसे खिलाए बिना एक निवाला भी स्वयं नहीं खाती। अपनी संतान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है मां। ऐसी होती है मां। आयु कम है पर बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं आप, किंतु उसके लिए हमारे पास समय नहीं। आप ये बतलाइए कि कथा में आगे क्या हुआ, कार्तिकेय ने क्या किया? मैं तुम्हें आत्मिक ज्ञान से अवगत कराऊंगा। अब आप हमारे सेनापति, तो हमें किसी का भी भय नहीं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बालक, क्योंकि मेरे प्राण तेरी मां के चरण चंगलों में। सभी ने कितनी आशाओं से ये उत्तरदायित्व सौंपा था मुझे, अब कैसे निभाऊं अपना दायित्व, कैसे रक्षा करूं संसार की, कैसे? सारे संसार को असंभव लगता था उसे संभव बना दिया मैंने। जो कल तक अकल्पनीय था उसे यथार्थ में बदल दिया।
आज मैंने केवल उस बालक कार्तिकेय पर ही नहीं अपनी मृत्यु पर भी विजय पा ली है। अपने काल को हरा दिया है मैंने। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी? विश्वास नहीं हो रहा। कल सुबह अपनी आंखों से देख लेना। कल ना ये देवता यहां दिखाई देंगे और ना ही कार्तिकेय। वो कितना भी वीर क्यों ना हो पर अपनी मां के चरण कमल काटने की शक्ति उस पुत्र में नहीं है, किसी पुत्र में नहीं होती। अब बस बहुत हो गया महादेव, मौन रहकर मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। ये असुर युद्ध नहीं कपट कर रहा है, एक पुत्र को अपने माँ के विरुद्ध तलवार उठाने के लिए विवश करने का प्रयास कर रहा है। जानता ही नहीं कि ये अनर्थ कभी नहीं हो सकता। पर ये अनर्थ हो गया है माँ। क्या कहना चाहते हो पुत्र? तुम्हारा अर्थ क्या है? आप दोनों ने ही मुझे सिखाया कि मेरा धर्म है धर्म की रक्षा करना, क्योंकि मेरा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। वही मेरा लक्ष्य है, वही मेरी नियति। इसलिए आज अपने धर्म का पालन करने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं करूंगा। क्षमा कर दीजिए माँ, मैं विवश हूँ। माँ! ये कितने गंभीर मानसिक संताप से जूझ रहा है, इसका आभास मुझे है महादेव। इसकी पीड़ा मैं अपने हृदय में अनुभव कर पा रही हूं। जानती हैं देवी इससे क्या सिद्ध होता है? इसे अतः प्रेम है आपसे भी और इस संसार से भी जिसे आपने ही रचा है। तभी तो संसार के हित के लिए यह आपका हित नहीं कर सकता। पर आपका हित ना करके इस संसार को अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश भी नहीं कर पा रहा। इस अंतर्द्वंद की पीड़ा हमारे पुत्र को अवश्य सहनी पड़ रही है पार्वती, पर हमें स्मरण रखना होगा कि स्वर्ण अग्नि के ताप को सहकर ही कुंदन बन पाता है। आप स्वयं को दोष मत दीजिए कुमार, ऐसी परिस्थिति में हम देवता भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें और कैसे। तो फिर आप तो बालक हैं कुमार, आपका तो भयभीत या भ्रमित होना तो स्वाभाविक है। पर ये विकल्प मेरे लिए नहीं है देवराज। एक और ये धरती है, सारा संसार है, जिसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है, इसलिए तो जन्म हुआ है मेरा। और दूसरी ओर वो माँ है जिनके कारण मेरा अस्तित्व संभव हुआ है। दोनों में से किसी एक का चुनाव करना संभव नहीं है। अवश्य ही कोई और उपाय होगा, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि उस असुर ने मेरी माँ के चरणों में अपने प्राण रखे हो और माँ को पता तक ना चला हो? ये तो मुझे भी विचित्र लग रहा है कुमार। क्या ये संभव है कि ये असुरों की कोई नई चाल हो? अवश्य ही वो असत्य बोलकर हम सबको भ्रमित कर रहा है। या तो फिर ये भी तो संभव है कि उसने कहा तो सत्य ही हो पर उसके सत्य का अर्थ कुछ और हो।
तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बालक, क्योंकि मेरे प्राण तेरी माँ के चरण कमलों में है। उसने कहा था कि उसने अपने प्राण मेरी माँ के चरण कमलों में रखे। चरण कमलों का कोई और भी अर्थ हो सकता है क्या? ये तो अब हमें तारकासुर ही बताएगा। पर तारकासुर स्वयं अपने रहस्य को उजागर क्यों करेगा कुमार? करेगा देवराज। हम उचित कुंजी लगाएंगे तो अपने रहस्य का ताला अवश्य खुलेगा, पर उसके लिए जैसा मैं कहूं आपको वही करना होगा। ऐसी क्या योजना बनाने जा रहा है ये? इसने देवराज से क्या कहा होगा प्रभु? कहीं कोई ऐसा कार्य तो नहीं करने जा रहा जिससे ये फिर से किसी संकट में पड़ जाए? अभी तक हमारे पुत्र ने केवल शक्ति और भक्ति का ही परिचय दिया है, पर अब समय आ गया है इसे बुद्धि की परीक्षा भी देनी होगी। जिसके पास शक्ति भक्ति और बुद्धि का संगम हो उसे पूरे ब्रह्मांड में कोई पराजित नहीं कर सकता। देवी, अब मैं शीघ्र ही उस तारकासुर के वध का रहस्य पता लगा के उसके प्राण हर लूंगा। उन शक्तियों का पुत्र है जो कभी दुर्बल पड़ ही नहीं सकता, इसलिए हो सके तो आप अपने पति को रोकिए, समझाइए, उनकी रक्षा करने का प्रयास कीजिए, अन्यथा उनके प्राण जिन चरण कमलों में है। वो गौरी शंकर सुत उनका विनाश करके रहेगा। देवराज, स्वामी, स्वामी कार्तिकेय को आपके चरण कमलों का रहस्य पता चल चुका है। स्वामी अब क्या होगा? यह तो सुरक्षित है, व्यर्थ में ही मैं चिंतित हो रहा था। तो ये है वो कमल जिसमें बसी है तारकासुर की प्राण शक्ति। अब मुझे ज्ञात हो गया कि तारकासुर के प्राण हरने हैं तो मुझे इस कमल को नष्ट करना होगा।
देवी पार्वती के चरण कमल नष्ट होते तारकासुर की कवच शक्ति का अंत हो गया, किंतु फिर आरंभ हुआ वो युद्ध जिसकी प्रतीक्षा देवताओं को कई वर्षों से थी, कार्तिकेय और तारकासुर का युद्ध। और अब की बार कार्तिकेय के वार से तारकासुर को कोई नहीं बचा सकता था। मेरे साथ छल करके तूने मेरे स्वर्ण कमल को भले ही नष्ट कर दिया हो, पर तू मेरे मनोबल को नष्ट नहीं कर सकता और न ही मेरे भुज बल को। अब भी इतना शक्तिशाली हूं मैं कि तुझ जैसा असंख्य बालक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानता ही है ना, यज्ञों की आहुति मेरे नाम पर होती है। भय से दी गई आहुति आस्था के छोटे से दीपक का भी सामना नहीं कर सकती। तारकासुर, आज तुम्हारा अंत होगा और वो अंत करूंगा मैं। धर्म और अधर्म के युद्ध में सभी दिव्य शक्तियों को धर्म का साथ तो देना ही था, और भगवान भी अपने आप को इस संघर्ष से जुड़ने से रोक नहीं पाए। तभी नारायण, ब्रह्मदेव, महादेव, शक्ति अपने अपने दिव्य अस्त्रों के साथ वहां पहुंच गए। वो बहुत ही अद्भुत दृश्य था। ऐसा लग रहा था कि कार्तिकेय में उन सब की शक्ति प्रवाहित हो रही है। अंत में वहां दुर्गा मां प्रकट हुई। उन सब की असीमित बल से प्रेरित होकर वो गौरी शंकर सुत काल बनकर तारकासुर पर टूट पड़े। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गम मार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ज्ञान भासिनी, दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गमा सुर सहंत्री दुर्गमा योद्धा धारिणी, दुर्गो भविष्यति न संशयः। देवराज, क्या हमारा स्वप्न सत्य में सच हुआ? क्या तारकासुर सच में मारा गया? शिव पुत्र कार्तिकेय की। और इस प्रकार स्कंद माता के आशीर्वाद से कार्तिकेय ने तारकासुर जैसे महादुष्ट राक्षस का अंत किया और संसार की रक्षा। उसके बाद देवी पार्वती ने गणेश को जन्म दिया। नवरात्रि के पांचवें दिन हम इन्हीं देवी की पूजा करते हैं। आइए आरती करके हम स्कंद माता की पूजा संपन्न करते हैं। मा
कितने समय तक पूजा करेंगे ये सब? कथा तक तो फिर भी ठीक था, पर अब तो कार्तिकेय के छोटे भैया के वाहन मूसक देव हमारे उधर में अशांति फैला रहे हैं। अब तो अति ही हो गई, इनकी पूजा का कार्यक्रम तो न जाने कब तक चले। हम जाकर पेट पूजा करते हैं। माता है माँ तू ही स्कंद की माता है माँ तू ही स्कंद की माता आप सबकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं। गरुड़, तुम अपनी मां की इच्छा अवश्य पूरी करोगे। भविष्य में जब भी एक आदर्श पुत्र का नाम लिया जाएगा तुम्हारा ही उदाहरण दिया जाएगा। आप सबकी मनोकामनाएं भी अवश्य पूरी होंगी। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। माँ की सबसे बड़ी इच्छा तो यही है कि मैं प्रभु नारायण की सेवा करूं, और मेरी भी बस यही एक मनोकामना है कि नवरात्रि के सभी व्रतों को पूरे विधि विधान से पूरा करके मैं अपने प्रभु का वाहन बन पाऊं। बहन, आपके मुख पर मुस्कुराहट देखकर मुझे तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। कल स्कंद माता की कथा सुनकर ऐसा लगा जैसे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, एक माता और उसके पुत्र के बीच विशेष संबंध सूत्र कभी नहीं टूटता। न जाने क्यों हमें ऐसा विश्वास होने लगा है बहन कि हमें हमारा पुत्र अवश्य मिलेगा। आपके मन में इस व्रत के प्रभाव से आस्था जगी, बहुत अच्छी बात है। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस पूरी भक्ति से प्रार्थना कीजिए। माँ आपकी प्रार्थना को अनसुना नहीं करेंगे। हा 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 हा। व्यक्ति गाय पाले, भौभौ करता श्रवण पाले, किंतु भ्रम कभी ना पाया। दो चार दिन व्रत क्या रखेंगे? आप खुद को बहुत बड़े तपस्विनी समझने लगे हैं। ये मत भूलिए कि एक साधारण स्त्री है आप, अपने पुत्र को तो संभाल नहीं पाए और चली है विश्वास करने कि माता रानी सारे जगत को छोड़कर अपनी कृपा केवल आप पर बरसाएंगे। भाई ये तो अति ही हो गई। दीदी अब बस भी कीजिए ना, आप इतना कड़वा काहे बोल रही हैं आप? हम तो केवल सच बोल रहे हैं। ये जो आपके अतिथि है ना छोटे, ये तीनों माता रानी की कथा सुनने सुनाने के बहाने हबी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे से जानते हैं हम ऐसे लोगों को। हाँ नहीं तो क्या कहा आपने? ये
क्या मैंने अभी अभी माता को देखा या मेरा कोई भ्रम था? स्त्रियों का इस समाज में सहज जीवन जी पाना पहले से कठिन है, और आप एक स्त्री होकर भी दूसरे स्त्री के मार्ग पर कांटे बो रही हैं। आपको तो इन्हें मानसिक शांति देनी चाहिए, किंतु आप इन्हें मानसिक संताप दे रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। छोड़िए ना, छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, है ना? आप हुआ जी की बातों से प्रभावित मत होइएगा। माँ भगवती आपकी प्रार्थना अवश्य पूरी करेंगी। अब तक आप सबने सुना कैसे माँ ने शैलपुत्री के रूप में महाराज हेमवंत के घर जन्म लिया। आपका विवाह उन्हीं के साथ हो जिन्हें पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा समय आपके हृदय में सहज रूप से प्रकट करे। उसके बाद ब्रह्मचारिणी के रूप में तप करके महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया। फिर चंद्रघंटा के रूप में घंटनाद करके उन्होंने बुरी शक्तियों का नाश किया। और फिर इस संसार को और अपने पति के घर को सुंदर और स्वच्छ बनाए। कुष्मांडा के रूप में उन्होंने सिद्ध किया कि वो इस संसार की प्राण शक्ति है। और फिर स्कंद माता के रूप में कार्तिकीय और गणेश को जन्म देकर उन्हें योग्य बनाया। माँ के अब तक के सारे अवतारों में हर स्त्री की तरह उनकी प्राथमिकता थी उनके पति, घर और उनकी संतानें। किंतु एक स्त्री का अस्तित्व केवल घर के चार दीवारों के भीतर नहीं होना चाहिए। अपने घर संसार के साथ साथ एक स्त्री समाज, संसार और जन कल्याण के लिए बहुत कुछ करने के लिए सक्षम है। इसलिए नवरात्रि के छठे दिन हम देवी माँ के कात्यायनी रूप की पूजा करते हैं, जिन्होंने इस संसार को स्त्री शक्ति की व्यापकता का प्रदर्शन किया। माँ का ये रूप कैसे उजागर हुआ था? माँ, इसका कारण एक राक्षस था सुपर, जिसका अंत केवल और केवल माँ ही कर सकती थी। उस राक्षस का नाम था महिषासुर। महिषासुर? वो कौन थे भैया जी? उनकी कहानी भी सुनी है ना माँ भगवती की कृपा से। राम और क्रम नाम के दो राक्षस भाइयों ने देवताओं से भी अधिक बल और सामर्थ्य अर्जित करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे एक वरदान दिया कि उसे एक महाशक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो जो अपने भीषण तपस्या से अमरता के समान अद्भुत वरदान प्राप्त करे। तथा ये सुनकर रम तो प्रसन्न हो गए, किंतु देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता चिंता में डूब गए। महादेव से वरदान प्राप्त करने के बाद रंभ एक बलशाली भैंस पर मोहित हो गए और उस महिषी के साथ संगम से उसे एक बलिष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया महिषासुर। महिषासुर, महिषासुर।
जन्म के बाद से ही महिषासुर हिंसा करने लगा था। उसका भय मात्र पशु पक्षी मनुष्य में ही नहीं बल्कि देवताओं में भी था, क्योंकि उसमें अमृत के समान वरदान प्राप्त करने की क्षमता थी, और यदि वो अमर हो जाए तो संसार का विनाश निश्चित है।